हूँ जिसका नाम है भावनाज पैशन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने करेले की सब्जी। तो ये झटपट बन जाएगी। इसके लिए मैंने 3 से 4 करेले को मेरे नमक लगा के काट के रख लिया था और मैंने धुल के रख लिया है। और मैंने 4 करेले लिए थे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है, उन्हें रफली चॉप कर लिया। यहाँ मैंने कढ़ाई ली, इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालती हूँ जीरा। जीरा घुमाना चाहती हूँ कि लगता होता है। मैं इसमें डालूंगी हींग। और जीरा अच्छे से भून गया है, हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। और प्याज को ऐसे लगाकर 2 मिनट तक भून लेंगे। क्या मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए ऐसे ही अपने तेल में भून लिया है। अब मैं इसमें साथ ही करेले ऐड कर दूंगी अपने। और मैं भी प्याज के साथ 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनने दूंगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ इसमें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब मैं अपने करेले को 5 मिनट के लिए सिम आंच पे पका लूंगी। तो यहाँ हमारे करेले को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और मैंने इसे 1-2 बार बीच में चला लिया था। अभी हमारे करेले कम से कम 50% तक कुक हो गए। अभी हमें गलने तक ढक के 5 मिनट के लिए और पका रहे हैं। जब हमारे करेले गल जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाएंगे। यहाँ हमारे करेले को भूनते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके थे और ये पूरी तरह से गल गए हैं। हमारे करेले एकदम से तैयार हैं। अब मैं इसमें लास्ट में अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। घी जरूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले के अंदर। अब मैंने 2 मिनट और चला लूँगी ऐसे ही। तो हमारे करेले की सब्जी बनके एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।